वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में नौनिहालों से झाड़ू लगवाने का मामला सामने आया है। दरअसल यह पूरा मामला लोधीपुरा माध्यमिक शाला का बताया जा रहा है, जहां नौनिहालों को शिक्षा के नाम पर झाड़ू और पोछा लगाने की सजा दी जा रही है। जानकारी के अनुसार लोधीपुरा माध्यमिक शाला में नौनिहाल छात्राएं प्रांगण में झाड़ू लगा रही हैं और शिक्षिकाएं डंडा लेकर खड़ी होकर उन्हें झाड़ू लगाने के लिए निर्देशित कर रही थी। इस संबंध में जब स्कूल की प्राचार्या करुणा से चर्चा की तो उन्होंने स्वीकार भी किया और कहा कि थोड़ी सी झाड़ू लगवा रही थी। वहीं इस मामले को लेकर जब जिला परियोजना अधिकारी रविंद्र महाजन से चर्चा की गई तो फोन पर ही कहते नजर आए कि मैं यहाँ नहीं हूँ और अनावश्यक बातें करने लगे। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। पैसों का खेल के बारे में तो सर कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि वो पहले स्कूल लगने के पहले खेलेंगे। जब हम स्कूल में तो बराबर ध्यान देते हैं, स्कूल में पैसे चलता नहीं है सर। कंपाउंड में अपन ध्यान देते हैं, कंपाउंड से बाहर अपन कंपाउंड की बात, अंदर की बात। अंदर तो सर पास में तो नहीं खेलने बच्चे, बच्चे झाड़ू लगाते हैं अपने। हाँ, कभी कभार लगवाते हैं, कभी कभार हाथ लगवाते हैं। लगवाते नहीं, यानी कि हम नहीं लगवाते, कभी कभार बच्चे भी लगाते हैं, हम भी वो करते हैं। आपके माध्यम से यह बात संज्ञान में आई है कि हाई स्कूल लोधीपुरा में बिल्डिंग की पुताई नहीं हुई है और बच्चों के द्वारा साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। इसकी जांच कराकर संबंधित जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।